गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ SSC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। ITJEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट का टर्मिनेटिंग लेक्चर है, अंतिम लेक्चर। इसके बाद हम लोग करंट पढ़ेंगे या इलेक्ट्रो डायनेमिक्स आप बोल सकते हैं। ये कौन सा पार्ट था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्सला, गास थ्योरम और कैपेसिटर का पूरा कम्बो पैक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार स्टैटिक पोजीशन में रहे, रेस्ट पोजीशन में, और उसके बाद वाला जो यूनिट होगा वो चार डायनेमिक पोजीशन में, मोशन में आ जाए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही सब नेम है, उपनाम है करंट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही है। यानी इलेक्ट्रोस्टैट समाप्त हुआ, अब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की बारी। और जैसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत हीटिंग इफेक्ट, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, तमाम ऐसे इफेक्ट पढ़ना शुरू हो जाएगा कई चीजें। तो अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण बातें। चार्जिंग का केस कल डिस्कस किया गया था, चार्जिंग में चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, नाम ही है चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में चार्ज बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कैसे बढ़ता घटता है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, हमेशा ई वाला फार्मूले में नाम है। तो बढ़ाने के लिए क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और घटाने के लिए क्यू नॉट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की मीनिंग सेम है, सी इंटू आर, यूनिट इसकी सेकेंड होती है और डायमेंशन कैपिटल टी होता है। ये सारी बातें देखी गई। चार्जिंग में चार्ज एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग चार्ज एक्सपोनेंशियली घटेगा, लेकिन दोनों में करंट, चार्जिंग की करंट या फिर डिस्चार्जिंग की करंट, दोनों में हमेशा करंट घटती ही घटती है। टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा करंट घटेगी। आई नॉट मैक्सिमम है, आई नॉट से घट करके जीरो की तरफ होना प्रयास करती है, हालांकि परफेक्टली जीरो नहीं हो पाती। चार्जिंग के केस में चार्ज और टाइम के बीच कर प्लॉट किया जाए, तो ये चार्ज ऐसे टेक ऑफ करा दिए, प्लेन को ऐसे उड़ा दिए। अच्छा, उड़ाते ही मत रही, एक सीलिंग, एक स्काई है, ये जो छत है उसे नीचे ही रहेगा। ये मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू क्या है जिसको टच नहीं कर पाता, दैट इज द क्यू नॉट। उसे नीचे नीचे प्लेन आपका उड़ेगा। प्लेन किस स्फीयर में उड़ता है? कहां से? आयनोस्फीयर में। किसमें? नहीं, आयनोस्फीयर में उड़ता है कि स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटो में। चलिए, ये है। और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम है ये चार्ज, मैक्सिमम क्यू नॉट है, क्यू नॉट से जीरो की तरफ। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग का कर्व है। ये चार्जिंग के लिए चार्ज है, ये डिस्चार्जिंग के लिए किसी टाइम पर चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज, और ये करंट है चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में, दोनों में, दोनों के लिए एक ही कर्व। ये सब कर्व बन चुके हैं कॉपी में। चलिए, इसमें एक टर्म सीखते हैं हम लोग, जो टाउ है उसी टाउ को आज डिफाइन करने वाले हैं। टाउ बी द टाइम कांस्टेंट, फार्मूला क्या है? सी इंटू आर, कैपेसिटी और रजिस्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। छोटी शेडिंग डालिए, टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डिफाइन करने वाले हैं। इन केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग केस में चार्ज कैसे दिया जाता है? एक पावर माइनस टी बाई टाउ। बोलिए, अगर टी इक्वल टू टाउ हो जाए तो एक पावर क्या लिख देंगे? माइनस। बोलिए, लगा रहे हैं चार्जिंग फार्मूला, उसी में एक और हल्का सा नुक्ता जोड़ दे रहे हैं, टी इक्वल टू टाउ। अब इसको आप लिख देंगे क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस वन, कोई वन बाई ई लिख दें? इसको क्या लिख दें? ई माइनस वन बाई, जरा न्यूमेरिक वैल्यू रखिए, न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे 2.718 माइनस वन, यहां 2.718। बोले ऊपर कितना हुआ? 1.718 बाई 2.718, यही तो होगा। अब ये जो वैल्यू सॉल्व करेंगे
0.63 आता है, 0. तो बताइए टाइम कांस्टेंट क्या है? अरे कुछ नहीं, टाइम कांस्टेंट मतलब टाऊ की बात कर रहे हैं आप, तो टाइम कांस्टेंट टाइम है। कैसा टाइम? ऐसी शुभ घड़ी है जिस पर चार्जिंग केस में कैपेसिटर पर 0.63 टाइम्स चार्ज पहुंच चुका होता है, परसेंट में 63% कंडेंसर चार्ज हो जाए, उसी टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। यानी टाइम टाउ क्या है? टाउ ऐसा टाइम है एट विच 63% चार्जिंग भी कंप्लीटेड। समझ पाए? क्यों क्या है? कंडेंसर पर किसी जनरल टाइम पर चार्ज, क्यू नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज के कई गुना, 0.63 टाइम्स इतने गुना परसेंट में 63% ससगुणाकरण परसेंट में आ जाएगा। अभी लिखते हैं, लिख लीजिए इसको, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, एक मोटी सी कॉमन सी डेफिनेशन निकालने वाले हैं। डिस्चार्जिंग केस में क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं? क्यू नॉट, अब डायरेक्ट वन माइनस तो है नहीं, ई पावर माइनस टी बाई टाऊ, और टी बाई टाऊ लिखते हैं यहां पर, टी अगर टाऊ हो जाए तो क्या होगा? ई पावर माइनस वन। क्यू कितना? क्यू नॉट बाई ई, और ई की वैल्यू आपको याद है, हमने याद दिलाया था 2.71, ऊपर नंबर में तो वन है ना, अब वन में जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 को मतलब 0.5, लेकिन 2 से ज्यादा है ना, 0.5 से कम आती है वैल्यू, और ये वैल्यू संयोग की बात है 37 आ जाती है, 0.37। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? अगर डिस्चार्जिंग केस स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा टाइम है जिस पर 37% चार्ज बचा रहता है। कै परसेंट चार्ज बचा रहे? अगर चार्जिंग केस स्टडी कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट ऐसा टाइम है जिस पर 63% चार्ज पहुंच जाए, रीच कर जाए। कैपेसिटर कै परसेंट चार्ज पहुंच जाए? 63। और डिस्चार्जिंग केस में कई परसेंट बचा रहे? अच्छा 37% जब बचा रहे, कई परसेंट डिस्चार्ज हो गया? 63। देखिए इन दोनों का सम 1 आ रहा है कि नहीं, या 37 और 63 का सम 100 आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, डिस्चार्ज क्यों क्या बताता? हमेशा रिमेनिंग चार्ज, बचा खुचा चार्ज। तो बात को समझिएगा, एक ही डेफिनेशन बोल रहे हैं उसी समझदारी से बोलिए। टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट ऐसा टाइम है जिस पर 63% काम हो जाए। कई परसेंट काम हो जाए? कौन सा काम? जो करने वाले हैं, जो आपकी इच्छा हो। चार्जिंग कर रहे हैं तो 63% चार्ज हो जाए, और डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो कई परसेंट डिस्चार्ज हो जाए? 63% डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि 37 बचा है। समझ गए कि नहीं? कुछ मोटी बात समझ में आई? डेफिनेशन कॉमन सी डेफिनेशन, कॉमन सी डेफिनेशन क्या है? टाइम कांस्टेंट बी द टाइम एट विच 63% डिजायर्ड वर्क भी कंप्लीटेड, मनचाहा काम, इच्छित काम उन लोगों का हो जाए। चार्जिंग सीख रहे हैं तो 63% चार्ज पहुंच जाए, डिस्चार्जिंग सीख रहे हैं तो 63% खो जाए, बचा 37% खोया। ये हमेशा क्यों बचे वाले को बताता है? समझ गए? कॉमन सी डेफिनेशन, टाइम कांस्टेंट बी द टाइम एट विच 63% चार्जिंग आर 63% डिस्चार्जिंग बी कंप्लीटेड। चार्जिंग केस में 63 चार्ज हो जाए, या डिस्चार्जिंग केस में 63% डिस्चार्ज हो जाए, या कभी कभार ऑप्शन में मैच कराने के लिए ऐसे आ जाता है। टाइम कांस्टेंट क्या है जिस पर किसी जनरल टाइम पर रिमेनिंग चार्ज कितना हो टोटल चार्ज का, 1/e टाइम्स, 1/e, आखिर यही चीज लिखे नहीं रास्ते में, कभी कभार ऐसे कर देता है। समझ रहे हैं? रिमेनिंग चार्ज कितना हो डिस्चार्जिंग केस में, रिमेनिंग चार्ज, बचा हुआ चार्ज कितना हो टोटल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का 1/e टाइम, उससे भी छांट लेंगे। चार्जिंग केस में रिमेनिंग चार्ज कितना हो, रिमेनिंग चार्ज क्या हो, तब इतना कहेंगे e-1/e टाइम्स, है कि नहीं? कभी कभार e के टर्म में देते, तभी पहचान लीजिएगा।
समझ गए? टाइम कांस्टेंट कैसा टाइम है जिस पर कई परसेंट, जैसे चार्जिंग के सीख रहे थे, कितना परसेंट चार्ज हो जाए फिर से, टोटल चार्ज का कितने गुना चार्ज हो जाए, 0.63 टाइम्स हो जाए। जब टाइम पूछा जाएगा तो पॉइंट बोलेंगे, परसेंट पूछा जाए पूरा तिरछक बोलेंगे, ठीक है? फिर से बोलिए, चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट कैसा टाइम है जिस पर कई परसेंट चार्ज अभी बाकी है चढ़ना, 37%। टोटल चार्ज का कितने टाइम्स बाकी है, 0.37 बाकी है ना। माने चार तरह से चार स्टेटमेंट आप जारी कर सकते हैं, मोटी मोटी भाषा में। मनमीखी बात याद रखिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें पूर्णता परफेक्टनेस कितनी आ जाए, 63%। चार्जिंग सीख रहे हैं 63% चार्ज हो जाए, डिस्चार्जिंग सीख रहे हैं तो बचा 37, माने 63 डिस्चार्ज हो जाए ना। नोट करिए फट से, माने डरने कोई बात ही नहीं। टाइम कांस्टेंट फार्मूला क्या है, C into R। यूनिट क्या है, सेकेंड। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। एक दो हल्के सवाल इन अ CR सर्किट, इफ टाइम कांस्टेंट बी, छोटे सवाल शुरुआत कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट बी टाइम कांस्टेंट भी .5 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट कितना, 0.5 सेकेंड। फुल स्टॉप। इफ थर्टी किलो ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज कामा इट्स न्यू टाइम कांस्टेंट बिकम्स 0.575 सेकेंड, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर यूज्ड इन गिवन CR सर्किट। सर्किट शॉर्ट में CCT लिख दे रहा है। पहले टाइम कांस्टेंट था 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड, बाद में 0.75 सेकेंड हो गया, कितना अटैच करने पर, 30 किलो ओम का रजिस्टर। तो आप बताइए कि जो मेन CR सर्किट थी उसमें C और R की वैल्यू क्या क्या रही। Thank you.
सोल्यूशन देखिए क्या दिया है, पहले सी इंटू आर दिया है 0.5, 0.5 ये दिया है सी इंटू आर शुरुआत में, बाद में क्या दिया है सी इंटू आर प्लस 30, आर प्लस 30 ये कितना दिया है 0.75। बात समझिए, अगर आप 30 में 10^3 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तो इसका मतलब मन ही मन समझ लीजिए कि आर भी किलो में ही आएगा आंसर, समझ गए? हाँ, यानी ऐसा यूनिट में आप नहीं लाने वाले, या अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपको ओम में आएगा आंसर। क्या करें, एसआई में कन्वर्ट करें ना करें? चलिए कर दे रहे हैं, 30 × 10^3 कर दिया, तो इसका मतलब अब ओम में हो गया, इक्वल टू 0.75। चलिए ये सेकंड इक्वेशन, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दे तो सी का कंसिलेशन हो ही गया, बोले क्या आया आर बाई आर प्लस 30 × 10^3 इक्वल टू 0.5 / 0.75। इसको 50 और इसको 75 लिख सकते हैं आप, 50 भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से नीचे भी गुणा कर दें 75, तो 25 × 50 = 75 2/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 के यहाँ 3R और यहाँ 2R, यहाँ 2 के यहाँ करें 60 × 10^3। आर किधर लीजिए, आर किधर लिया जाए बोले, तो ये आर हो गया सब्ट्रैक्ट होकर, क्या गया 60 × 10^3 ओम, या आप 3 को हटाना चाहते हैं तो 60 kΩ ये हो गया। सिक्सटी किलो हम आ गए, समझ गए? अब यही आर की वैल्यू आप रख दीजिए किसी इक्वेशन में तो सी आ जाए, सिंस सी इंटू आर इक्वल टू 0.5, तो सी और आर की वैल्यू क्या रखें 60 × 10^3 रखेंगे इक्वल टू 0.5, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 / 60 × 10^3 ये हो जाएगा 0.5 / 60, ऊपर चला जाए 10^-3। इसको अगर 500/60 लिखते हैं तो आपको 10^-5 लिखना पड़ेगा, 500/60 लिखते हैं तो आपको 10^-5, 0 0 कैंसिल हो गया, अब कैंसिल करिए कितना आ जाएगी 25/3 हो गया × 10^-5, ये फैरेड में आ रहा है। सी की वैल्यू आ जाएगी 0 बढ़ा लीजिए 250/3 × 10^-6 फैरेड, या 250/3 माइक्रोफैरेड। समझ गए? एक क्वेश्चन आपके लिए, कभी कभार रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तब उसमें होता क्या है कि दूसरी बार सी इंटू जब आर लिखते हैं तो आर आर को जैसे 30 ओम का रजिस्टर अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए पहले वाले सर्किट में, क्या लिखेंगे R × 30/R+30 इतना हो जाए तो उसका नेट, तब इंटू सी करें तब नया वाला टाइम कॉन्स्टेंट, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन रख करके तब आप लिखेंगे, सीरीज वाले में डायरेक्ट एड होता था तो C × R+ कर दिया था।
इफ टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट भी जीरो पॉइंट सिक्स मिली सेकेंड देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी एंड आर इफ इट्स न्यू टाइम कांस्टेंट becomes one millisecond after connecting a series resistor of 20 ओम किलो ओम नहीं सावधानी से लगाइए वैसे 20 ओम का जब रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा ऐसा सवाल में भी दिया गया है अबे C इंटू R होता है आप 20 ओम और जोड़ देना तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा ना टाइम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा तो डाटा भी तो ऐसे दिया है शुरुआत में कम था 0.6 था बाद पूरा पूरा 1 हो गया मिली सेकंड बताइए फट से शुरुआती दौर में क्या लिखेंगे C इंटू R इक्वल टू कितना 0.36 है मिली मतलब 10^-3 पहला इक्वेशन लास्ट में अंत में क्या हुआ C इंटू R में कितना जुड़ गया 20 किलो नहीं है तो इसलिए सीधे 20 ऐड करें और 1 मिली हो गया इंटू 1 × 10^-3 अब जल्दी सॉल्व करना डिवीजन ले लीजिए एक टर्म गायब हो जाए क्या कैंसिल सी कैंसिल आर बाई आर प्लस 20 इधर हो गया पावर कैंसिल 0.6 आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर इधर तो भाई 1 मानेंगे आप और इधर 0.6 आर प्लस 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 12 आ गया तो 0.6 आर किधर ले आइए आर में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4 आर हो जाएगा इक्वल टू 12 आर इक्वल टू 12/0.4 इसका मतलब 120 लिख दीजिए इसको 4 लिख दीजिए तो 30 ओम आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था शुरुआती दौर में 30 ओम का अब यही आर की वैल्यू किसी क्वेश्चन रख लीजिए सी आ जाए देखिए दूसरा सवाल चल रहा है ज्यादा समय में आ रहा होगा काम एकदम उसी तरह से करना है चलिए पहले क्वेश्चन मदद लीजिए या दूसरे की मदद लीजिए फ्रॉम इक्वेशन टू चाहे वन से चाहे टू से सी बाहर आर की वैल्यू आपने 30 निकाला 20 बगल में है इक्वल टू 1 × 10^-3 ये तो 50 हो गया जी सी 50 सी हो गया 50 सी इक्वल टू 10^-3 सी इक्वल टू 1/50 और × 10^-3 और आप चाहें तो 100 कर दें ऊपर 100 कर रहे हैं तो इसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ेगा 10^-5 बाई 50 ये 50 कैंसिल करेंगे 2 आ गया 2 × 10^-5 फैरड
अब मिली माइक्रो वाला टर्म लगाना चाहते हैं, माइक्रो करीब है, एक तो जीरो बढ़ा लीजिए ना 20, तब इसको 10^-6 फैराड लिखेंगे, और 10^-6 को नहीं बोलना चाहते तो माइक्रो बोली, 20 माइक्रो फैराड। रजिस्टर कितने ओम का है? 30, और कैपेसिटर 20 माइक्रो फैराड का। अब समझ गए होंगे लगाना, मैंने दोनों इक्वेशन लिख के तुरंत डिवाइड करी, डिवाइड करें तो एक लीटर वैनिश कर जाएगा, तो वही क्लास 10th वाला क्वेश्चन बनेगा, लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप लेगा। एक हमारी तरफ से अच्छा सवाल, कैलकुलेट टाइम फॉर कंप्लीट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सी इंटू आर होगा, दूसरा ऑप्शन 63 सेकंड होगा, मनमानी ऐसे, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट होगा, चौथा ऑप्शन टू सेकंड होगा, कौन जवाब होगा? इनफाइनाइट, 100% चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों ही इम्पॉसिबल होता है ना। पूरा लगा दीजिए आप, डाटा कुछ नहीं दिया, लगा के दिखाई कैसे इन्फिनिटी आता है, उसको भी समझाइए। तब जो हम लोगों का असरसन है, दृढ़ कठन, जिसको हम लोग याद किए हैं केवल सुन करके, उस पर काफी बल मिल जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। क्यों, क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी टाइम टी पर कंडेंसर पर चार्ज, कंडेंसर पर कितना चार्ज बचा है, वही क्यू रिप्रेजेंट करता है। अब क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों की वैल्यू आज क्या सेम हो गई है, यानी क्या कहा गया है, या देखिए वी नो इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग के दौरान कौन सा फार्मूला आप लगाते हैं, क्यू नॉट इंटू 1-e^-t/टाऊ ही लगाया करते हैं। यहां 100% की बात किया गया, तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हो गया। क्या कहा गया है? कंप्लीट चार्जिंग, कंप्लीट माने क्यू कितना हो जाए, क्यू नॉट, यही हो जाएगा। सो अब क्या लिख देंगे इधर, क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1-e^-t/टाऊ लिखिए आप, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, कैंसिल कैसे हुआ है, डिवाइड होकर कैंसिल हुआ है कि सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल, क्यू नॉट इधर मन में ले आए, डिवाइड होकर, और डिवाइड होकर कैंसिल होगा तो वन आएगा, वन इक्वल टू 1-e^-t/, और वन वन कैंसिल कैसे हुआ, सब्ट्रैक्ट होकर किस तरफ ले आए, माइनस होकर के, यानी इसको इधर उठा लाइए, 1-t/टाऊ कितना, ये जीरो हो गया, कुछ नहीं। बताइए ई की पावर में कितने की वैल्यू जीरो होती है, जीरो की 1^0 की वैल्यू जीरो, 1^∞ की वैल्यू जीरो, 1^-∞ की वैल्यू, तो माइनस तो लगे हैं, इसका मतलब t/tau∞ हो गया होगा। यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है भाई, हम लोग जानते हैं कि हमको याद है 1^-∞ एक दिन जीरो बोला गया था, भाई माइनस है, माइनस यहां पर माइनस ढक लीजिए, इसका मतलब t/tau∞ रहा होगा। अब यहां से t क्या आ जाए, tau से मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, समझ पाए कौन सा आंसर? इसका मतलब लैंग्वेज में क्या स्टेट करेंगे हम लोग, 100% चार्जिंग इज इम्पॉसिबल, सेंट परसेंट, सौ परसेंट, या 100%, या फिर कंप्लीट चार्जिंग
चार्जिंग एंड दिस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बी इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि समय इन्फिनिटी लगता है, इन्फिनिटी कोई आंसर थोड़ी है। उतने में भाई कई पुश्त गुजर जाएगा, कई पुश्त क्या पूरी धरती समाप्त हो जाएगी? धरती की भी अपनी एज है, इतने करोड़ साल चलेगी, इतने अरब साल चलेगी, ये तो इनफाइनाइट टाइम कभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इम्पॉसिबल बोल दिया। समझ गए होंगे आप लोग। वैसे डिस्चार्जिंग में भी आप निकाल लेंगे तो आ जाएगी इन्फिनिटी। एक और सवाल, पच्चीस वोल्ट की बैटरी है, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। सवाल हो जाए अच्छा, की प्रेस करने के एक सेकंड बाद बताइए कितना चार्ज हो जाएगा। की प्रेस करने के दो सेकंड बाद बताइए कितना चार्ज हो जाएगा। इस तरह तमाम सवाल। की प्रेस करने के एक मिली सेकंड बाद बताइए कितना चार्ज होगा। कैपेसिटर प्लेटों बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट, पहला टाइम कांस्टेंट, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज तीसरा, टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू रिसीव टू कंप्लीट 63% चार्जिंग टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू 99% चार्जिंग। 99% चार्ज। एक क्वेश्चन और, पांच क्वेश्चन करने। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड। क्या गजब क्वेश्चन है। ये पांचवा सवाल,
पांच क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। और लॉग में कुछ वैल्यूज भी दी रहती हैं, जरूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लॉग टू लॉग थ्री की वैल्यू ज्यादा दिया जाता है। अब यही एक क्वेश्चन लगा लेंगे तो हर बुक के हर तरह के सवाल समाप्त हो जाएंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ भी नहीं बचेगा। इलेक्ट्रोस्टैट ही सबसे ताकतवर पोर्शन है, क्लास ट्वेल्थ के पोर्शन में सबसे तगड़ा टॉपिक यही पहला वाला। चलिए देखिए सॉल्यूशन, पहला काम करिए साफ साफ लिखिए क्या क्या दिया है। 20 माइक्रोफेरेड, माइक्रो यानी 20 × 10⁻⁶ फैरेड बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस है 50 ओम का, 50 ओम का, और वी है आपके लिए 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। ये तीन चीजें दी गई। कुछ चीजें हमारी तरफ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया जाता है लॉग टू की वैल्यू, वो भी बेस 10 पे देते हैं, 0.3010। लॉग थ्री की वैल्यू हमारी तरफ से नोट करिए बेस 10 पर 0.4771, 4771 होता है। ऐसे डाटा दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो इसका यूज करिएगा आप। और एक और हमारी तरफ से वैल्यू, लॉग एक्स है बेस ई पर, तो समझा दे रहे हैं भाई 2.303 लगा करके तब आप बेस 10 लिख सकते हैं, बेस 10। और लॉग एक्स बेस ई मतलब इसको ln एक्स भी बोलते हैं, ये अपना सब दिया जाता है, पहले से भी आप जान रहे हैं। ये दो वैल्यू एग्जाम में दिया जाएगा, हम भी दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिख देता है गिवन करके। चलिए पहला सवाल, टाइम कांस्टेंट से पहला क्वेश्चन है। टाइम कांस्टेंट में केवल सी और आर की जरूरत है, सी इंटू आर कर दीजिए आप, टाउ इक्वल टू हो गया सी इंटू आर। सी इंटू आर करेंगे, देख लीजिए 20 × 10⁻⁶ और इंटू 50 हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 × 10⁻⁶ सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ कर दीजिए सेकेंड, या 10⁻³ को भी खाना चाहते हैं तो 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड बोल दीजिए, सही है, टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड है। दूसरा सवाल, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज के लिए कुछ समझना ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं लगता है बड़ा वाला, केवल ऐसे लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू सी इंटू वी होता है, सी इंटू वी। सी है भैया 20 × 10⁻⁶ और बैटरी का वोल्टेज है 25 × 50 500 हो गया, × 10⁻⁶ कूलाम ऐसा यूनिट, या 0.5 लिखते हैं तो ये 10⁻³ हो जाए, तब मिली कूलाम, ये हो गया चार्ज, मैक्सिमम चार्ज 0.5 मिली कूलाम। ये 500 लिखते हैं तो इसको खा जाएंगे तो माइक्रो कूलाम, जैसे बोलना आप उचित समझे। तीसरा थर्ड है, टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू कंप्लीट 63% चार्जिंग, 63% चार्ज होने में कितना समय लगेगा, वही टाइम कांस्टेंट यानी डेफिनेशन आप भूल रहे हैं, यानी ये यही 1 मिली सेकेंड। इसका जवाब सीधे 63% कहा जाए तो वही जो टाउ निकले वही रख देंगे। अब देखिए सवाल लगाने में फायदा हो रहा है, नहीं तो इसे पूछा जाता तो आप रुक जाते। तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ यानी 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। चलिए 63% वाली डेफिनेशन है, 63% चार्जिंग होती है टाइम कांस्टेंट। चौथा बताइए,
चौथा है 99% 90% चार्ज, सॉरी 99% चार्ज होने में कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए, हमने अभी क्वेश्चन करवाया था 100% चार्ज होने में कितना समय, सोचिए मत, कभी नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट टाइम लगता था। लेकिन 99% चार्ज होने में देखिए कितना समय लगता है, एक आध सेकेंड आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मिलिए सेकेंड हो जाएगा काम। अब इसको निकालना पड़ेगा, क्या दिया है, क्यू कितना दिया है, 99% किसका चार्ज हो जाए, माने मैक्सिमम चार्ज के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, यानी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.99 क्यू नॉट लिख सकते हैं ये। ये दिया गया है मैटर, सिंस चार्जिंग के केस पढ़ रहे हैं, बैटरी उठी लगी है, चार्जिंग सेंटेंस में लिखा भी गया है, चार्जिंग के लिए फार्मूला क्या कौन सा आप तैयार किए हैं, क्यू नॉट इंटू 1 - e⁻⁻⁣ ये तो पढ़े हैं, टाउ एक बार निकालेंगे क्वेश्चन में तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट पूरे प्रयोग के दौरान फिक्स रहेगा, टाउ एक बार जो आपने निकाली वही हमेशा रहेगा। क्यू की वैल्यू रखिए 0.99 क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट और इंटू 1 - e⁻⁻⁣ क्यू नॉट का निपटारा हुआ। बोले ई पावर वाले किधर ले लीजिए, ई पावर माइनस टी बाई टाउ ये चीज इधर क्या आ जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से 0.99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ई पावर माइनस टी बाई टाउ का क्या आ गया जी, ये हो जाएगा 0.01। बोले अब ई पावर माइनस टी बाई टाउ इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं 1/100 एक बटे 100 लिख सकते हैं नहीं, या पलट दीजिए ई पावर टी बाई टाउ प्लस में हो गया, इसको पलट देंगे तो केवल 100 हो जाएगा, निगेटिव अगर हटा दे रहे हैं तो उलट देंगे 100। लाग ले लीजिए, विच इंप्लाई दोनों तरफ का लाग, लाग ई पावर टी बाई टाउ बेस ई रहता है, लाग 100 बेस ई ही रहता है लाग लेते समय। अब जो सर पे बैठता है वो गिर जाता है, लाग यम पावर यम क्या होता है, ऊपर नीचे आ जाता है, यन लाग यम, उसी तरह से ये टी बाई टाऊ ऊपर बैठा थी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा टी बाई टाऊ और कितना इधर लाग 100 और बेस। अब आप बताएं किसी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पर 1 होता है, लाग ई बेस की वैल्यू समाप्त, यानी टाऊ टी क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू हो गई आपके लिए tau into, और log 100 को लिखना है ना तो ऐसे लिख दीजिए ना 2.30 और log 100 और बेस 10, और log 100 बेस 10 की वैल्यू होती है 2, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3, ये बताए थे प्रोजेक्ट आए उसमें रॉकेट वाले में। तो क्या आ गया 200 और मल्टीप्लाई करिए, t इक्वल टू हो गया 2 से मल्टीप्लाई करिए 4.606 इंटू टाउ ये हो गया, और टाउ को रख दीजिए आप ये बिना कैलकुलेटर का रहा है 4.606 इंटू टाउ कितना है जी 1 मिली सेकेंड इंटू 1 क्या आ गया 4.606। अच्छा 10⁻³ लिख दें तब सेकेंड आ जाएगा, ये इसको हटाना चाहें तो मिली सेकेंड देख रहे हैं, मात्र 4 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड से कम 4.606 मिली सेकेंड में 99% चार्ज। मिली सेकेंड मतलब समझते हैं 1 सेकेंड कौन सा भाग, हजारवां भाग, यानी पलक झपकते भर 99% चार्ज, वही 1% चार्ज होने पूरी नौबत हो जाएगी, चार्ज ही नहीं हो पाएगा। समझ में आया, लास्ट वाला भी मजेदार है, लास्ट वाले में करना क्या है जानते हैं, आपकी बहुत क्षमता है तो केवल चार निकालना जानते हैं फार्मूले से, क्यू निकाल लेंगे, जब क्यू आ जाएगा तो क्यू इक्वल टू सी वी से वी इक्वल टू क्यू बाई सी कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। तो पहला काम करिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए परेशान मत होइए कैसे निकलेगा, खाली ये देखिए 0.5 मिली सेकेंड पर कितना चार्ज स्टोर होता है, तो चार्ज पता लगा लीजिए, चार पता लग जाए काम बन जाएगा।
लास्ट प्रॉब्लम हम लोग डील करने चल रहे हैं, अंतिम सवाल। अंतिम क्वेश्चन, 0.5 मिली सेकेंड, हाफ मिली सेकेंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। पांचवा, एट टी इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ सेकेंड वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो भी कैपेसिटर के। अच्छा यही नहीं, आपको बहका सकता था 0.5 मिलीसेकंड पर रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दिमाग लगा देते, कैपेसिटर वाला निकाल लेते, पूरी केबल बैटरी से 25 तो कैपेसिटर बीच अगर 10 है तो यहां 15 वाला दिख जाता है कि नहीं, लगाने का तरीका आपको ही होता, मैनुअल अप्रोच। देखिए सिंस क्यू पर निकालने चल रहे हैं, क्यू नॉट इंटू 1 − e⁻¹⁰ और क्यू नॉट कितना है जी, चलिए 1 − e⁻¹⁰ ये कितना −1/2 लिख दें, सिंस टी बाई टाउ बगल में कहीं दिखा दीजिए, टी मतलब 0.5 मिली सेकेंड है और ये 1 मिली सेकेंड है, टाउ 10⁻³ कैंसिल, 0.5 ही बचा यानी 1/2, समझ गया कि नहीं। अब Q क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा Q नॉट इंटू 1 − 1/√e लिख सकते हैं, ये भाई मामला बड़ा गंभीर हो रहा है, देख रहे हैं कैलकुलेशन बड़ा हार्ड होता चला जा रहा है। चलिए तो Q नॉट की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, Q नॉट की वैल्यू आप निकाला है 0.5 मिली कूलम, 0.5 मिली कूलम यानी 10⁻³ इंटू 1 − 1/√e। तो सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, बोले चलिए इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए, V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C कर दें, 0.5 × 10⁻³ × √e − 1/√e हो गए। C कितना है जी, कैपेसिटी 20 माइक्रो है, 20 × 10⁻⁶ है, ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा 10⁻³, और 10⁻³ जब ओपन करेंगे 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/20 और इधर √e − 1/√e ये 25 हो गया, 25 × √e − 1/√e बोल्ट, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए लास्ट लाइन, अब ई के फार में ही कुछ कुछ रिजल्ट आ जाते हैं जिसमें लागू लेने से काम नहीं बनता, इसलिए नहीं लिया गया है। एक प्रोसीजर हमने ट्रैक बताया कैसे आपको ऐसे प्रॉब्लम से निपटना है, तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टेट पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसके प्रॉब्लम आप लोग करते रहिए, कल से हम लोग करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इसके प्रॉब्लम धीरे धीरे आप करते रहिए। संडे को टेस्ट होना है, केवल नीट वालों का टेस्ट होगा, टीजीटी पीजीटी टेस्ट नहीं होगा, टॉपिक आपको पहले से बता दिया गया है, फिजिक्स में क्या आना है, इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट नहीं, केवल गास थ्योरम तक है ना, कूलम्स लॉ और गास थ्योरम तक, बाकी कंडेंसर का पार्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया जाएगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।